क्या होता है पूर्णिमा के दिन? चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव शरीर में लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद गुरु दर्शन करना बहुत ही लाभदायक होता है। हर माह आने वाली पूर्णिमाशी का रहस्य हम आपको आज बताएंगे। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण दिन पूर्णिमा है। सभी का अलग अलग महत्व होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर है। वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि मुख्य पूर्णिमा मानी गई है। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो ये कहते हैं कि चौदस पूर्णिमा और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। पूर्णिमा का व्रत रखने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा के व्रत में फल दूध एक बार अन्न खाते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। नहाने के बाद घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है और पूर्णिमा के दिन भी भगवान गणेश का ध्यान करें। पूर्णिमा के दिन गुरु दर्शन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जो भी किरणें धरती पर पड़ती हैं वो गुरु अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। उनके दक्षिण मार्ग से हमें एक ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे हमारे सारे बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रहण पीड़ित है और दूषित है, उन्हें इस ग्रह की वजह से जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो उससे बचने के लिए भी पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए।